फ्रेंड्स, तो आज हम स्टडी करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक जनरल क्लासिफिकेशन आपको बताई थी मटेरियल्स की, जिसमें हमने क्लासिफाई किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो वो एक बहुत ही जनरल सी क्लासिफिकेशन थी। तो आज हम स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बात करेंगे। तो एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच आर यूज्ड इन सम इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। सो आउट ऑफ ऑल द मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड, सो उसमें कुछ एक परसेंटेज होगी या कुछ एक मटेरियल्स होंगे जो हमारी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूजफुल रहते हैं या यूज होते हैं, तो उनको हम बोल देते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो यहां पे मैंने जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स है उनको सेम टू कैटेगरीज में रखा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंडर जो मटेरियल्स इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, तो वो मैंने यहां पे क्लासिफाई कर दिए। तो मेटल्स में दो तरह के हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं, फेरस मेटल्स एंड एलॉयज, और दूसरा होता है नॉन फेरस मेटल्स एंड एलॉयज। तो एक बात तो यह है कि आज के अपने इस वीडियो में मैं इन सभी मटेरियल्स की डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि ये मटेरियल्स क्या होते हैं। तो फेरस मेटल्स एंड एलॉयज, आप सभी को पता ही होगा, फेरस मतलब आयरन। द मेटल्स दैट कंटेन्स मेटल्स और एलॉयज दैट कंटेन आयरन एज वन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो सिंपल एग्जाम्पल है इसकी, ऑल द स्टील्स एंड कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन जो है वो एलॉयज हैं कार्बन और आयरन की, और उसी तरह से स्टील जो है वो भी एक एलॉय है आयरन और कार्बन की। तो वो हम फेरस मेटल एंड एलॉयज की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद आ जाता है नॉन फेरस मेटल्स एंड एलॉयज। तो नॉन फेरस मेटल्स एंड एलॉयज, वेरी सिंपल, जो भी हमारे मेटल्स हैं जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, वो प्योर मेटल्स हैं। उसके अलावा जो नॉन फेरस एलॉयज जिनमें आयरन नहीं है, नॉन फेरस मतलब जिनमें आयरन नहीं है, तो जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, सो दीज आर एलॉयज विच डू नॉट कंटेन आयरन। तो ये हमारे नॉन फेरस मेटल्स एंड एलॉयज की कैटेगरी में आ गए। तो जस्ट इनकी डेफिनेशन। उसके बाद अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। तो आप अगर देखेंगे तो डिफरेंट बुक्स में आपको अलग अलग तरह की क्लासिफिकेशन मिल जाएगी। तो जनरल सी क्लासिफिकेशन होती है, तो आई हैव टेकन दीज फोर कैटेगरीज इन नॉन मेटल्स इन। ये तो हमारे थे मेटल्स की कैटेगरी में। जो नॉन मेटल की कैटेगरी में है इंजीनियरिंग मटेरियल्स में, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में, तो ये चार मैंने यहां पे लिखे हैं। इसके अलावा आपको किसी बुक में इससे ज्यादा क्लासिफिकेशन मिल जाएगी, किसी में एक आध कोई कम हो जाएगा, सो वो अलग अलग ऑथर्स ने उसको अलग अलग तरीके से एड्रेस किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिरामिक मटेरियल्स की। सिरामिक मटेरियल्स, दे आर नॉन ऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। तो ये आपको हर एक बुक में देखने को मिल जाएगी, इसकी जो डेफिनेशन है उसमें ये चीज लिखी होगी। इसके अलावा अगर मैं बिल्कुल सिंपल सी बात आपके साथ करूं, तो सिरामिक मटेरियल्स जो हैं वो होते हैं कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स, नाइट्राइड्स, बोराइड्स एटसेट्रा। सो जितने भी हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कार्बाइड्स हैं या ऑक्साइड्स हैं, बोराइड्स हैं, नाइट्राइड्स हैं, वो सिरामिक मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूं आपके सामने, आपने एक नाम सुना होगा सिलिकॉन कार्बाइड या टंगस्टन कार्बाइड, तो ये सिरामिक मटेरियल्स हैं। सिरामिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज की अगर बात करूं, दे आर वेरी हार्ड, दे आर वेरी ब्रिटल, उसके अलावा दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और उसके अलावा जो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट दे हैव वेरी गुड हाई टेम्परेचर प्रॉपर्टीज। अब आप कहेंगे कि हाई टेम्परेचर प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। नॉर्मली अगर हम मेटल्स की बात करें तो उनकी स्ट्रेंथ जो है वो रूम टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा होती है। तो कल भी मैंने मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंस आपके साथ डिस्कस किया था, बट जैसे जैसे हम इनका टेम्परेचर तापमान इंक्रीज करेंगे उससे क्या होगा, इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो कम होती जाएंगी। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, सिंपल मैं बात करता हूं हार्डनेस की, तो
तो हार्डनेस जो है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे हार्डनेस कम होती जाएगी, स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। बट सिरामिक मटेरियल्स की ये खास बात है दैट दे रिटेन देयर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, और सिंपल वर्ड्स में मैं कह सकता हूं दैट दे डू नॉट लूज देयर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इवन एट हाई टेम्परेचर। थोड़ा बहुत डाउन होंगी बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट इज द रीजन दैट सिरामिक मटीरियल्स दे आर यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर प्रॉपर्टीज। जैसे आपकी फर्नेस है, उसकी जो लाइनिंग होती है वो सिरामिक मटीरियल की है। या फिर आप देखिए, जैसे आप अगर मैं फाउंड्री इंडस्ट्री की बात करूं तो मोल्टन कास्ट आयरन जो है उसको हैंडल करने के लिए जो क्रूसिबल्स होते हैं वो सिरामिक मटेरियल्स के होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सिरामिक मटेरियल्स। उसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट मटेरियल्स की। कंपोजिट मटेरियल्स दे आर मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मटेरियल्स विच हैव ऑल टूगेदर डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सिरामिक मटेरियल्स जो है वो बेसिकली एक तरह कंपोजिट मटेरियल जो है बेसिकली वो एक कॉम्बिनेशन होता है। तो एक मैं एग्जांपल लेता हूं, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में ज्यादातर हमें ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जो लाइट वेट भी हो और जिसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा हो। बट ऐसे मटेरियल्स आपको नहीं मिलेंगे, प्योर मटेरियल्स आपको नहीं मिलेंगे कि जिनकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो और वेट भी कम हो। तो अगर स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे उस चक्कर में वेट बढ़ जाएगा, अगर हम वेट कम करने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रेंथ पे असर पड़ेगा, स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, दो मटेरियल्स को कंबाइन कर देते हैं सो दैट वी टेक एन ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ बोथ ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स। दोनों मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज की एक ऑप्टिमम वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एज वेल एज इन टर्म ऑफ देयर वेट। तो ये एक एग्जांपल ली है मैंने स्ट्रेंथ एंड वेट की, उसके अलावा और भी कई कॉम्बिनेशंस हैं वो हो सकते हैं। अब इसकी एक सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं लेता हूं, कंक्रीट। तो जो हमारा कंक्रीट होता है, जो छत है हमारे घर की, तो वो आपने देखा होगा कंक्रीट जो है दैट इज बेसिकली ए कंपोजिट मटीरियल, वन ऑफ द परफेक्ट एग्जांपल्स ऑफ कंपोजिट मटीरियल। तो उसमें आपने देखा होगा सैंड है, ग्रेवल है, सीमेंट है, उसके अलावा उसके अंदर स्टील है, जो सरिया होता है वो स्टील है। तो इन सभी मटेरियल को कंबाइन करके हम लोग कंक्रीट जो है वो बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कंक्रीट में, अब आप इमेजिन कीजिए कि सीमेंट जो है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ सीमेंट यूज करके छत जो है वो डाल दें तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, नहीं होगी उसकी कोई भी स्ट्रेंथ नहीं होगी। हालांकि उसका वेट कम होगा बट उसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो वो टूट जाएगी। इसी तरह से अब आप इमेजिन कीजिए कि पूरी की पूरी छत आपने स्टील की बना दी, तो स्टील की स्ट्रेंथ तो बहुत बड़ी है, छत पे जाके आप कूदिए डांस कीजिए कुछ भी नहीं होगा उसको, बट उसका वेट इमेजिन कीजिए कितना हो जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी छत स्टील की है। हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में हमने स्टील लिया, सरिये लिए, और एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में हमने मिक्सचर लिया सैंड ग्रेवल और सीमेंट का। तो हमने अब क्या किया, लो वेट अटेन कर लिया एट द सेम टाइम हाई स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा होगी। तो जस्ट एक एग्जांपल लिया मैंने कंपोजिट मटेरियल का, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे प्लाईवुड है वो एक कंपोजिट मटेरियल की एग्जांपल है, जो आप पतंग उड़ाते हैं वो कंपोजिट मटेरियल की एग्जांपल है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो ये तो नाम से ही क्लियर है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब जिसके अंदर कार्बन होती है। तो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, पॉली, पॉली का मतलब बहुत ज्यादा। तो सिंपल सी बात करूं तो ये थ्री डायमेंशनल नेटवर्क्स होते हैं, लॉन्ग चेन्स होती हैं मॉलिक्यूल्स की, तो दे आर नोन एज पॉलीमर मटीरियल्स। पॉलीमर्स में अगर इंजीनियरिंग मटीरियल्स की बात करूं तो जो हमारे प्लास्टिक्स हैं वो पॉलीमर मटेरियल्स हैं। तो पॉलीमर मटेरियल्स जो हैं जनरली लाइट वेट होता है इनका, तो उसी तरह की एप्लीकेशंस में ये यूज होते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि प्लास्टिक जो है वो हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में, तो पॉलीमर मटेरियल्स लाइट वेट हो गया। उसके अलावा डिफरेंट कलर्स हम इनको दे सकते हैं, डिफरेंट शेप्स में हम इनको मोड़ सकते हैं। तो आप देखिए कि जितने भी हमारे डेकोरेटिव पार्ट्स होंगे, एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कोई भी कार है उसका इंटीरियर जो है
वो प्लास्टिक का होगा, तो वहां पे हम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स जो है प्लास्टिक्स वो यूज करते हैं। इसके अलावा कोटिंग्स हैं, पेंट्स हैं, देर आर नंबर ऑफ रबर है, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीमर मटीरियल्स। और लास्ट में एक क्लासिफिकेशन जनरली आपको मिलेगी एडवांस्ड मटीरियल्स। तो इसमें बहुत कुछ कवर हो जाएगा। एडवांस्ड का तो मतलब ये कोई स्पेसिफिक टर्म तो है नहीं, कितनी एडवांसमेंट है या कौन सी एडवांस्ड एप्लीकेशंस हैं जहां पे हम मटेरियल यूज करते हैं। तो स्पेस एप्लीकेशंस जो आपके स्पेस क्राफ्ट्स हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, टेम्परेचर की और प्रेशर्स की एक्सट्रीम कंडीशंस आपने यूज करनी है, फेस करनी है, तो उसके लिए वहां पे एडवांस्ड मटेरियल्स यूज करेंगे। इसी तरह से बायोमेडिकल मटेरियल्स जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जिन्होंने फंक्शन करना है, जैसे हमारे जो दांत हैं उनका मटेरियल हो गया, या जो रॉड्स हैं जो बोन्स के अंदर डालते हैं अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो जो मटेरियल्स हैं दे आर वेरी स्पेशल मटेरियल्स विच कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एडवांस्ड मटेरियल्स। तो जस्ट आई हैव गिवन यू ए सरफेस नॉलेज ऑफ ऑल दीज मटेरियल्स, क्योंकि जिस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड मेटलर्जी, तो उसमें अभी इनकी बहुत ज्यादा डिटेल जो है वो हमें नहीं चाहिए। तो जस्ट मैंने आपको एक डेफिनेशन बता दिया, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज देख ली इनकी, थोड़ी बहुत इनकी एप्लीकेशंस देख ली। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।